हरियाणा में नशा तेजी से युवाओं को खोखला कर रहा है, जिसे रोकने के लिए नशा तस्करों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। सोमवार को सीआईए टीम ने राजस्थान सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे 25 वर्षीय बादर राम को 25 लाख की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर के दो और ऐसे लोगों को काबू किया है जिन्होंने बादर राम को ब्राउन शुगर मुहैया कराई थी। रेवाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो नशा के सौदागर हैं जो मुनाफे के लिए युवाओं को नशे की दलदल में धकेल रहे हैं। नशा तस्करी करने वाले माफिया भोले भाले नौजवानों को पैसे का लालच देकर नशे की तस्करी के धंधे में धकेल रहे हैं। रेवाड़ी पुलिस की पूछताछ में पकड़ा गया बादाराम बता रहा है कि नौकरी की खातिर उसने कर्ज लिया और फिर कर्ज को उतारने के लिए वो नशा सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया। बता दें कि राजस्थान के पाली का रहने वाला 25 वर्षीय बादर राम रेवाड़ी में ब्राउन शुगर सप्लाई करने के लिए ट्रेन से रेवाड़ी आया था, जहां रेलवे चौक पर सीआईए टीम ने सूचना के आधार पर बादर राम को काबू किया, जिसके पास से 734 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख बताई जा रही है। बादराम से पूछताछ में सामने आया कि राजस्थान के भरतपुर के राजेश और अजयपाल ने उसे ब्राउन शुगर रेवाड़ी में सप्लाई करने के लिए मुहैया कराई थी, जिन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल नशा तस्करी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ब्राउन शुगर कहां से आई और रेवाड़ी में किस शख्स को ये ब्राउन शुगर सप्लाई की जानी थी। पुलिस का प्रयास है कि नशे के धंधे की जड़ तक पहुँचा जाए, ताकि नशा कारोबार पर नकेल कस युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाया जा सके। कि भाई एक बादराम का राजस्थानी लड़का रेलवे चौक के पास वो नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में है, जिसको सीआईए टीम द्वारा काबू किया गया। और सेकेंड अनुसंधान अधिकारी मैं गया था मौके पर, मैंने इसको गिरफ्तार किया, पूछताछ की, बरामद शुदा सामान था उसको ऐसे तो साहब के समक्ष पेश किया, जिससे भरतपुर जिले से जी। और ये अपना रेवाड़ी में किसी आदमी ने कहा था मैं खरीद लूंगा, उस आदमी को बेचने के लिए खड़ा था ये, वो आदमी मिला नहीं उससे पहले ये पता। जो आरोपी है हाँ बादर राम खरीद के ले आया था, अपने दोस्त था इसका राजेश, उससे राजेश को भी गुजरी रात को गिरफ्तार किया है। राजेश खरीद के ले आया था अपने मोस्ता के पास अजयपाल से, उसको भी गुजरी रात को गिरफ्तार किया है। इस प्रक्रम में पूरे तीन आदमियों को गिरफ्तार किया गया। ये अपनी जॉब के लिए कोचिंग कर रहा था जयपुर में, और राजेश जो अक्यूज्ड है ये कोचिंग कर रहा था, आपस में दोस्ती थी और इनमें ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में